बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल डेक्सटर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे आज शेफ्स की जानिब से खूबसूरत क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शेफ यहाँ आ रहे हैं और स्टूडेंट के साथ वो अपनी जो चीज़ें उनको एक्सपीरियंस को शेयर भी करेंगे और उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजेंगे। चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कैसे काम कर रहे हैं डेक्सटर इंस्टीट्यूट और क्या जब हम बात करेंगे तो मज़े मज़े साथ साथ खाने भी बन रहे होंगे, उनको भी दिखाएंगे और उनके साथ खाएंगे भी। चलते बात करते हैं। मौजूद है पाकिस्तान के बड़े शेफ्स भी मौजूद हैं और जिसमें मैं कहूंगा कि ब्रांड होल्डर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैं शुरू करता हूं शमा आपसे पहले ना, क्यों सेंटर में आप हैं तो शमा ये बताएं डेक्सटर ने जो एक क्लास का इनेकाद किया, क्या कहेंगी इसके बारे में और कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स के सामने? कभी लोग यहाँ पर भी थे और आज आप यहाँ हैं, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा इवेंट कर दिया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब मैं आई थी, मैंने सोचा था छोटा सा इवेंट होगा क्लास है, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल। मैं खुर्रम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगी कि शेफ खुर्रम ने बहुत एफर्ट किया इसके लिए और एक बहुत अच्छा इवेंट किया, अरेंज किया। बिल्कुल कहना भी चाहिए, अब एक शेफ होगी तो एक ब्रांड होल्डर के पास जाएंगे और ब्रांड होल्डर जो मेरे बड़े सीनियर भी हैं सरफराज भाई, बहुत बार मुलाकात होती है सलमान फूड को, जिस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर एक, मैं कहता हूँ कि लोगों की ज़बान पर अब एक नाम चढ़ गया है, तो लोग कर ही रहे हैं पर नाम भी एक आ गया सलमान भट्ट, क्या कहेंगे आज जो डेक्सटर ने एक निकाह किया क्लास का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शेफ खुर्रम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा देखिए, किसी भी इवेंट की कामयाबी जो है ना वहाँ पे मौजूद लोगों से होती है कि यहाँ पे कितने लोगों ने शिरकत की और कौन लोग आए यहाँ पर। तो बड़े बड़े नाम आपके सामने, असमा यहाँ पे मौजूद हैं, रफ़ीक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, शमा राजीद हैं, सारा हैं, आज़म भाई हैं, तो ये इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की ज़मानत है कि ये इवेंट जो है कामयाब भी रहा और खुर्रम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी क्लास कंडक्ट होती है, ये आने वाले लोगों के लिए भी एक सबक है और दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए भी कि अगर इस तरीके के प्रोग्राम किए जाएं और शेफ्स को इंगेज किया जाए और कंपनी को उस प्रोग्रामों में इंगेज किया जाए तो प्रोग्राम कामयाब हो जाते हैं। सर बिल्कुल, शेफ्स को चाहिए इंगेज भी करें और जो स्टूडेंट है सबसे बड़ा उनकी एक जो मोटिवेशन होती है वो उनके यूथ होती है, यूथ आइकन्स होते हैं। इस वक्त सारा की अगर हम बात करें तो वाकई में सारा ब्रांड लॉन्च किया, मैं हर इंटरव्यू में बात कहता हूँ कि आपको देख के रोल मॉडल बनाना चाहिए लड़कियों को, कि आपने एक स्टार्ट किया चैनल से, आप चैनल्स में गई, शेफ का काम करते करते आज आप मास्टर शेफ भी मैं कहूँ तो होने वाली हैं माशाल्लाह और ब्रांड होल्डर भी हैं, क्या कहेंगी आज के इस इनेकाद के लिए, प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगी? सबसे पहले तो शेफ खुर्रम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा एक चीज़ आपने अगर नोट की हो कि एक ट्रेनर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा ट्रेन करता है, उसको रेसिपीज बनाना सिखाता है, लेकिन ये सिर्फ शेफ खुर्रम ट्रेनर नहीं बल्कि एक लीडर है। क्यों? क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं। आप देखें यहाँ पे तमाम वो खवातीन भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन तरीके से चलाया और ना सिर्फ चलाया बल्कि लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स खवातीन को एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिए, तो उन सबको शेफ खुर्रम ने यहाँ पर जमा किया ताकि उनके अपनी स्टूडेंट्स को भी ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपना और अपने इंस्टीट्यूट का नाम आगे रोशन कर सकें सारा। और मैं कहूँगा जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं या जो यंगस्टर लड़कियाँ यहाँ मौजूद हैं जो आपको देख रही हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल हौसले रखने चाहिए और हौसले हमेशा कामयाब होते हैं। बिल्कुल सरफराज भाई थैंक यू अगेन, आगे मैं चलता हूँ, सीनियर शेफ हमारे साथ मौजूद, लेकिन मैंने आपसे सबसे आखिर में क्वेश्चन करना है क्योंकि आपका एक तजुर्बा अपना बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे साथ क्यों इनके आज़म भाई मौजूद हैं। आज़म भाई ये बताएँ कि लास्ट इवेंट में मेरी आपकी बात हुई कि शेफ्स के इतने इवेंट्स हो रहे हैं, गौतम ने किया, आज टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की जानिब से जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत खुशाइन काम होने जा रहा है और ख़वातीन को जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज फिर उस बात को मैं दोबारा से जो एम्फेसाइज करूँगा कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर देखें तो पाकिस्तान में अभी भी फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ज़ाहिर पाकिस्तान का एक कल्चरल, एक ट्रेडिशनल, एक क्या कहते हैं वैल्यू सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर ख़वातीन इस चीज़ की पाबंदी किए बगैर कि उनको घर से बाहर निकलना है, अपने घर के अंदर रहते हुए भी अपनी फैमिली की इनकम सपोर्ट के अंदर एक किरदार अदा करें, तो ये जितने इंस्टीट्यूट्स का आपने नाम लिया है ये सब उसके लिए एक राह हमवार कर रहे हैं कि इज़्ज़तदार तरीके से ख़वातीन जो है अपनी इनकम का जो है ज़रिया बन सकती हैं और अपनी फैमिली की जो है ना की सपोर्ट कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है और प्रमोट होना चाहिए, कंपनीज़ को चाहिए कि उनके साथ शाना बशाना शामिल हो। हम जिस तरह सलमान फूड्स की तरफ से सरफराज भाई हमेशा मैंने देखा है कि इनक्रेज करते हैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह इनके शाना बशाना हम लोगों को और अब क्या कहते हैं हौसला हो रहा है, हिम्मत हो रही है। शेफ खुर्रम और जितने ये अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रख रहे हैं, उनको पता है कि जब कॉर्पोरेट जो है वो एकेडमिया के साथ मिल के, इंडस्ट्री और एकेडमिया मिल के जो है
जो काम कर रही है तो उसके अंदर ज़ाहिर है क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है और आउटकम भी जो है इंशाल्लाह ताला बेहतर होना चाहिए। मेरे साथ खुरम शेफ खुरम भी मौजूद है। खुरम मैं आपके पास बाद में आऊँगा क्योंकि करता धरता है आप लेक्चर के तो ऑब्वियसली सीईओ भी हैं तो आपके पास बाद में आऊँगा। पहले मैं जाऊँगा विजिस अपने हमारे प्रेस क्लब के रफीक साहब मौजूद हैं। रफीक भाई कैसा फील होता है क्योंकि अक्सर हमारी तो प्रेस क्लब में आपसे मुलाकात रहती है लेकिन जब इस तरह इवेंट्स होते हैं और इनको एक पावर मिलती है लड़कियों को खासतौर पर इनके लिए क्या कहेंगे और आज डेक्स्टर ने जो क्लास का निकाल किया इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मुबारकबाद डेक्स्टर को और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और वैसे बेसिकली इंडोनेशियन कॉन्सलेट का मैं ऑफिशियल पीआर कंसल्टेंट हूँ लास्ट 15 ईयर्स है और उनके शेफ्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ के शेफ को तो हमारे एक हुए कि क्लास ज़्यादा करने हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल रफीक भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं शेफ असमा। असमा आप बहुत सीनियर हैं मुख्तलिफ चैनल्स के लिए भी आपने काम किया बहुत सारी लड़कियों को। मेरा बहुत अहम सवाल है कि वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? कभी आप वहाँ थी और आज यहाँ इनके लिए क्या वर्ड्स कहना चाहेंगी इन स्टूडेंट्स के लिए? हार्ड वर्किंग इन सब के लिए कहूँगी। हार्ड वर्किंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। आपको ये नहीं देखना है कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, आपको सब कुछ आ गया। कोई इंसान जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसको सीखना होता है। तो जो जो हमारे साथ फेजेस गुजरते हैं हमारा वो प्रोसेस होता है सीखने का अमल। तो हर चीज़ को आप सीखिए, आगे बढ़िए, सिंसेरिटी के साथ काम करिए और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होते जाइए क्योंकि ये क्लासेज ये चीज़ें फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं खुर्रम के साथ वैसे भी वर्किंग हूँ और डेक्स्टर को बहुत मुबारकबाद इस बात पे कहती हूँ। जितने लोग यहाँ से कनेक्ट होते हैं वो माशाल्लाह से आगे बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ लक सबके लिए और डेक्स्टर के लिए शेफ खुर्रम के लिए। बिल्कुल और ये जितने स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं इन लोगों के लिए काफ़ी बहुत अहम अल्फाज हैं ये क्योंकि आप लोग ने भी कभी यहीं से स्टार्ट किया था और आज आप लोग इस मुकाम पर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल शेख जो सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव हैं सलमान फूड के। सलमान फूड बहुत काम कर रहे हैं, क्या कहोगे और आज इवेंट में भी आप शामिल रहे, खुद सरफराज में भी मौजूद थे जो आपकी कंट्री हेड हैं, तो उसके साथ साथ आपको कैसा लगा आज वर्कशॉप देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो वर्कशॉप थी मैं सबसे पहले उसके लिए शेफ खुर्रम आरिफ को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी वेल ऑर्गेनाइज जो है वर्कशॉप मुनक़द की। प्रोफेशनल शेफ़ है और सलमान फूड का हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो प्रोफेशनल शेफ्स के साथ काम करें लाइक खुर्रम आरिफ और लाइक शेफ असमा इमरान। तो और इसके अलावा जो है सलमान फूड जो है वो सपोर्ट करता है और स्पॉन्सर करता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली, और यहाँ पर आप वीमेन की तादाद देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो सलमान फूड जो है वो हमेशा से जो है वो कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी हेल्प आउट किया जाए और उनको स्पॉन्सर किया जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इवेंट था और मुझे खुशी है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ। मुझे भी खुशी है आप सबसे बात करके क्योंकि यकीन जाने एंटरप्रेन्योर लड़कियों के जब काम किया जाता है ना सर यहाँ पे मौजूद है डेक्स्टर के करता धरता, मैं इनको भी करता धरता इसलिए कहूँगा क्योंकि ए आर के फैमिली की बड़ी खिदमत है। मेरी नॉलेज जो आज दी गई मुझे उसमें बताया गया कि आपकी पूरी फैमिली की पैसे तो छोड़ें इमोशनल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इमरान भाई आपकी फैमिली साथ है, आपकी वाइफ साथ है, पहले मैं आपकी वाइफ से शुरू करूँगा। मैम आप प्रिंसिपल भी हैं? जी बिल्कुल। कैसा लगा स्टूडेंट्स को देख के, पहले तो ये बताएं? बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये वक्त हमने भी गुजरा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा सवाल था कि वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क होता है, कभी हम वहाँ होते हैं और लाइफ में फिर अल्लाह ताला हमें इस लेवल पे ले आता है कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, कैसा लगता है स्टूडेंट्स को देख के? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो अभी मैं स्कूलिंग में हूँ उसमें देख रही हूँ तो वो जैसे जैसे ग्रो अप कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको देख कर कि वो एक पोजिशन पर जाते हैं और आज तक उनके बच्चे भी मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उनको देख कर मुझे बहुत खुशी होती है। क्या लगता है स्कूल आप एक रन कर रही हैं एज अ प्रिंसिपल, जब डेक्स्टर जो काम कर रहा है ये स्टूडेंट इन स्टूडेंट में फ़र्क क्या है? स्टूडेंट तो सब सेम ही होते हैं लेकिन कैसा महसूस होता है जब आप यहाँ आती हैं, क्या फील होता है? देखिए लर्निंग तो लर्निंग होती है, बेसिस आप जिस चीज़ को लर्न कर रहे हो उसको पूरे पेशेंस के साथ लर्न करें और उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएं। अगर आप वो लर्निंग सिर्फ लर्निंग के हद तक लेते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग कहीं भी करें, चाहे वो आप यहाँ प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर आप एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को भी डेवलप नहीं करते, आगे ग्रो अप नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके सीखने का। अहम सवाल है, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहते हैं क्या एक औरत के पीछे मर्द का हाथ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, वाकई में है। मैंने तमाम व्यूअर्स दिखा दूँ कि मर्दों के लिए भी बात होनी चाहिए ना। सर इमरान भाई ये बताएं कि आज आप डेक्स्टर में मौजूद हैं, डेक्स्टर के करता धरता भी, क्या लग रहा है कि डेक्स्टर किस तरह काम कर रहा है और आज जो क्लास इन्होंने ली है कैसा लग रहा है कि बेहतरीन या बस एवरेज? बल्कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान, आई एम डायरेक्टर ऑफ डेक्स्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मुझे ये जो माहौल आज देख के ऐसा लग रहा है ये हमारी जीत नहीं है, इन सबकी जीत है, आपकी भी मेरी भी, इन तमाम लोगों की जीत है, क्योंकि
जीत एक बंदे का नाम नहीं है, जीत ये तमाम लोगों का नाम, टीम वर्क का नाम है। तो लिहाजा हमने जो डेक्स्टर इंस्टीट्यूट जो खोला है, ये हमने किसी के मुकाबले के लिए नहीं खोला है, ना किसी को नीचा दिखाना चाहते। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ डिलीवर करें किसी को, और ऐसा डिलीवर करके आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मुलाकात हो तो हमें अच्छी अल्फाजों में याद करें, क्योंकि ये हमारा ARK के नाम से, ARK मोहम्मद अब्दुल रऊफ खान मेरे वालिद साहब के नाम से हमने बनाया है बैकग्राउंड में, और ये उन्हीं का एक ख्वाब था जो हम लेके चल रहे हैं। और जैसा इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट करने से पहले अपने वालिद साहब को इस दुनिया से जाते हुए देखा है, और ये हमारे लिए बड़े अफसोस का भी एक मकाम रहा है कि मेरे अब्बू ये ख्वाब ना देख सके। तो बहरहाल जहाँ कहीं भी हो गई हमारे ख्वाब वो उनके नज़रों के सामने होगा, भी कहीं होंगे अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। व्यूअर्स के बीच में कहूँगा कि वो जहाँ भी हो देख जरूर रहे होंगे, क्योंकि खिदमत है, स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना भी एक खिदमत है। मेरे साथ मौजूद है तबस्सुम हुसैन, जो डेक्स्टर के करते धरताओं में आप CEO भी हैं, को फाउंडर भी हैं। ये बताएँ कि सर ये वर्कशॉप जो आपने आज रखी, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, और सेकेंडली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब इस तरह की वर्कशॉप आप रखते हैं वो कैसे कर पाते हैं इतना आसानी से, आप लोग जो इतना मैनेज करना होता है बड़ा मुश्किल होता है, और सेकेंड आपकी कुछ हिस्ट्री बताएँगे डेक्स्टर की हिस्ट्री क्या और आपकी क्या हिस्ट्री है वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं A1 न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन A1 के तवस्सुल से मैं ये तमाम अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा। ये जो हमारा मकसद है, और ये जो आपका सवाल है, इस सवाल के पीछे हमारा मकसद छुपा है। हम ये किस तरह कर पाते हैं, क्योंकि हम वो यूथ को डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्ड मैन पावर देना चाहते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, उसमें ये सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात आप सबके सामने हैं, मुश्किल हालात हैं, इनसे लड़ना है, और इनसे कैसे लड़ना है यूथ को मैं वो फार्मूला दूंगा। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें तमाम दुनिया उसको बहुत डिमांड है, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ होती है। ये कोर्सेज जितने भी आप करते हैं हॉस्पिटैलिटी के, हॉस्पिटैलिटी फील्ड से जुड़ जाते हैं, और इंडस्ट्री के, सिर्फ कोर्स नहीं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें लेने के बाद आपकी जो वर्थ बनती है पाकिस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, और फॉरेन कंट्रीज़ में आपको अच्छा ज़रे मुबादला आप कमा सकते हैं, और आप अपने लिए भी ब्राइट करियर ले सकते हैं, और अपने घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट बन सकते हैं। अब यूथ को ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हमारा काम है आप लोगों को काउंसिल करना, आप लोगों को बताना, आप लोगों को तक मैसेज पहुंचाना, इसमें A1 का बहुत किरदार है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं ये भी बताएं थोड़ा सा कि जब इंटरनेशनली लोग अप्लाई करते हैं, मेरी भी आपकी देखिए क्लास जारी है, मैं इस पर इंशाल्लाह बात भी करना चाहूँगा जो खुर्रम में आपसे भी कर लेता हूँ। इंटरनेशनली क्या फ़ायदा है? इंटरनेशनली देखें, किसी भी फील्ड में आपको अकोमोडेशन खुद पे करनी पड़ती है, जितनी भी आपको सैलरी मिल रही हो, मील खुद करना पड़ता है, मेडिकल खुद लेना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन खुद लेनी पड़ती है। ये वो बेसिक नीड्स हैं जिनके ऊपर वो तमाम चीज़ें खर्च हो जाती हैं जो आप बाहर जाके कमाते हैं, ख्वाब लेकर कमाते हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, मील कंपनी प्रोवाइड करती है, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट एंड रिक्रेशन तक बहुत सारे हैं। और शेफ्स की तो स्पेशली डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि शेफ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस इंडस्ट्री में हमारे, क्योंकि कल तक उनको बटियारा, बावर्ची, ये सब कुछ कहा जाता था, और आज प्राउडली कहा जाता है कि आई वॉन्ट टू बी अ शेफ। डेफिनेटली मैं मास्टर शेफ। एग्जैक्टली, बहुत सीनियर नेम्स हैं। लेकिन सर मेरे लिए एक अहम सवाल ये है कि मैंने एक सवाल और भी किया था, टेक्सचर की कुछ हिस्ट्री तो बताएं कि कैसे और आप लोग मिल के कैसे इस चीज़ को खड़ा किया, कैसे लेके आगे चल रहे हैं? सर ये एक ऐसा सवाल है कि बड़ा मतलब हार्ट टचिंग है, बड़ी हार्ट टचिंग हो जाती है। इसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, तमाम डायरेक्टर्स की सोच जुड़ी हुई है। वो सोच क्या थी, हमारी यूथ को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें, वो नॉलेज प्रोवाइड करें, वो स्किल्स प्रोवाइड करें जो दूसरे प्रोवाइड नहीं कर पाते, और अगर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पाती, क्योंकि अब जो इस वक्त हालात हैं, जो इन्फ्लेशन लेवल, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाइंग पावर ख़त्म होने पे भी आपको पता है कि अप टू 30% स्कॉलरशिप हमारा हेड ऑफिस दे रहा है इन कोर्सेज पे, और ब्रेक इवन पे हम सिर्फ उसकी कॉस्टिंग करते हैं,
आसान लफ्ज लेता हूँ, रब्ता करना चाहें तो कैसे रब्ता करें वो लोग जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, और हमारे तवस्सु से क्या डिस्काउंट जा रहा है? आपके तवस्सु से स्पेशली जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है स्कॉलरशिप इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ A1 के रेफरेंस है, A1 न्यूज़ के रेफरेंस है। आप यहाँ पे आकर वो रेफरेंस देंगे, वो उस रेफरेंस पे आपको वो स्कॉलरशिप दोबारा मिल जाएगी। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए बल्कि इसमें 5% और इजाफा कर दिया जाएगा, 30% वैसे दिया जा रहा है, 5% A1 के 35%। मैं व्यूअर्स को जरूर दूंगा, बात 5% की नहीं है, बात 35% की नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि जो बढ़ना आगे चाहता है तो उसकी खिदमत सब करते हैं मिलकर, और हौसला देने के लिए यही इंस्टीट्यूट होते हैं। मौजूद है डेक्स्टर की पूरी टीम और करता धरता और मेरे बहुत ही फेवरेट शेफ, शेफ अल्ताफ। मैं अल्ताफ साहब आपसे शुरू करूंगा कि आज का इवेंट कैसा रहा और जो स्टूडेंट थे उनके बारे में क्या कहेंगे आप आज? माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से साथ हमारा वर्कशॉप हुआ, जिसमें कुछ तुर्किश फूड भी थे हमारे पास, डिफरेंट और भी फूड थे, मगर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर, माशाल्लाह मेरी बहनें आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ईमान ज़िंदगी सेहत दे सबसे पहले, ठीक है। और माशाल्लाह मैंने से उन्होंने सब चीज़ों को सीखा, जिस तरह मैंने खुर्रम ने जो है ना उनको चीज़ें बताई दिखाई, उन्होंने उसको पिक भी किया, प्रॉपर तरीके से लिखा भी और चीज़ों को भी उन्होंने पिक किया। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग रहा, बड़ा मज़ा आया। आउटस्टैंडिंग तो रहा, इतनी दुनिया आपने देखी है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ आप घूमे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मैसेज पता क्या दें कि शेफ़ जो होते हैं जब वो इस तरह के इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट्स लेते हैं तो उनको इंटरनेशनली क्या फ़ायदा होता है उनको? मैं अगर मुझसे आप पूछें कि मेरा माइंड ये कि अगर एक बंदे ने क्वालिफिकेशन ले ली किसी इंस्टीट्यूट से, वो डायरेक्टली जो है ना जॉब अपने लिए सर्च ना करें, वो डायरेक्टली किसी भी 5-स्टार होटल में जाके 2 ईयर 1 ईयर 3 ईयर्स का इंटर्नशिप होता है, जब आप वो कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोफेशनल हो जाती हैं। तो मेरा मशवरा ये कि भाई इंटर्नशिप करें, मज़ीद अपने आप को ग्रो करें, और अपनी लाइफ का जब आप ग्रो करते हैं और आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप अगर बाहर भी जाते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना नहीं होता, मेन चीज़ है आपको काम आना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा ब्लैक बेल्ट है, मैं आपको सॉरी टू से एक बंदा ब्लैक बेल्ट है मगर उसने शलवार कमीज पे नहीं है, एक बंदा नॉर्मल है, अगर दोनों को लड़ाएं मतलब ड्रेस के ऊपर, एक बंदा शेफ कोट पहने और बोले यार मैं शेफ हूँ तो दिस इज़ नॉट अ शेफ, शेफ कोट पहनने से कोई शेफ नहीं होता है। मेन चीज़ ये कि आपको काम आना चाहिए, आपको काम आता है आपकी जीत है, आपको काम नहीं आता है आपकी जीत नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट्स को, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे कोलीग्स हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ कि भाईजान स्टडी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल पर भी फोकस करें। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक प्रैक्टिकल आपका 25% है, 75% आपका प्रैक्टिकल है सॉरी, और 25% आपका थ्योरी है। आप थ्योरी भी सीखें प्रैक्टिकल भी करें, मगर इंशाल्लाह ये फील्ड जो है ना हमारे पाकिस्तान में तो जिस तरह हालात चले अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, मगर हमारी सही वैल्यूज है ना जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे ना आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वैल्यू है इंटरनेशनल वैल्यू। अच्छा मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ आप सबको कि जो लोग यहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं, तो शेफ़ के पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, ये बात मैं चाहूँगा कि खुर्रम साहब क्लियर करेंगे, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के बात हूँ, आप भी शेफ़ के कोट पहने थोड़ा बताएं अपने बारे में, सेकेंड मेरी मुलाकात है आपसे शायद, लेकिन थर्ड मुलाकात है, बिल्कुल बताएं अपने बारे में बताएं और बताएं आज कैसा गया वर्कशॉप कैसा? मैं तो माशाल्लाह सर की कोई जब से मैंने ज्वाइनिंग की है यहाँ पे मैं कोई वर्कशॉप सर की छोड़ती ही नहीं हूँ, और बहुत ज़बरदस्त, और मैं कलनरी आर्ट्स यहीं पे माशाल्लाह कर रही हूँ, और मैं सबको अपनी फ्रेंड सर्कल में सबको मैं यही बता रही होती हूँ कि यहाँ आएँ, और हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, हमें सिर्फ सिंपली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिखा रहे हैं और बस कुछ सिखा नहीं रहे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन सर हमें हर चीज़ माशाल्लाह खुल के हर चीज़ हमें बताते हैं दिखाते हैं, बहुत अच्छा वर्कशॉप से फ़ायदे होते हैं। मैम आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगी वर्कशॉप के बारे में आज के? हाँ मैं तो हमेशा ये वर्कशॉप अटेंड करती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब जब ये वर्कशॉप हो तो लेडीज़ और जेंट्स को दोनों को चाहिए कि ये वर्कशॉप अटेंड करें ताकि आगे से आगे हमें मालूम मैम आप भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे एक सवाल लेना है, लेकिन मैं पहले जाऊँगा स्टूडेंट्स के बाद जो आज जो मौजूद है, कैसा लगा आपकी क्लास लेने में, कैसा कुछ बताएं आज कैसे खाने बनाए और बड़े सुने टेस्टी खाने बने जो मैं बाद में चखूंगा, लेकिन पहले बताएं कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा मैंने तो ऑल रेसिपीज रिकॉर्ड भी कर ली हैं और लिखवा भी ली हैं। ठीक रहा, हमारा काम कुछ ज़्यादा कर रही थी, लेकिन अच्छी बात है। मैम क्या कहेंगी कि जो यंगस्टर काम करना चाह रहे हैं और जो आज इन्होंने क्लासेस ली उनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए कि बहुत ज़बरदस्त, और माशाल्लाह शेफ अल्ताफ और शेफ खुर्रम जो है ना, मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया, यानी कि इनकी क्लास अटेंड करके
बहुत मजा आया। मैं कहती कि वर्कशॉप अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड होने चाहिए क्योंकि इससे सीखने को काफी मिलता है, क्योंकि ये इन लोगों का वक्त आप लोगों को मिल रहा है ये बड़ी कीमती बात है। यकीन जाने आप सब जानते होंगे शेफ असमा को, बड़ी सीनियर हैं मुख्तलिफ चैनल में खाने बनाने में, इन्होंने बहुत एक टाइम उस लेवल पर पहुँचने के लिए इन सब ने लगाया है। और मैं इनसे एक सवाल ज़रूर करता हूँ, जो अल्ताफ भाई आपके पास नहीं आऊँगा इधर जाऊँगा मैम, फिर वही सवाल इन स्टूडेंट के लिए, वहाँ बैठ के और यहाँ खड़े होकर जब स्पीच कर रहा होता है इंसान, कैसा लगता है? बहुत ज़बरदस्त लगता है, आपको खुद पता चलता है कि आपने अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। जब आप वहाँ होते हैं उसके टारगेट अलग होते हैं, लेकिन जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं कि हमने इनके साथ खड़े होना है, तो उसके लिए टारगेट्स गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को टारगेट दें और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ये भी बोलना चाहिए कि डेक्सटर ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके ये और मैसेज दे दिया है कि इंस्टीट्यूट बड़ा छोटा नहीं होता, सीखने और सिखाने वाले बड़े होते हैं। सबसे अच्छा ये है कि डेक्सटर जो वर्कशॉप दे रहा है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर आए, आप लोग क्लासेस लें, अपने आपको ग्रूम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सर से, सर तो इतने अच्छे हमें सिखाते हैं कि बस क्या बन गए, इसलिए जा रहे इतने अच्छे हैं कि मुझे भूख लग जाएगी तो मैं बाहर जाऊँगा। तो आप में से बताएं, आप आगे हैं कैसा आज की क्लास और क्या कहेंगे? शेफ कोट पहना हुआ तो आप यही किए, इसका मतलब बताएं कैसी जा रही क्लास और कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वर्कशॉप्स यहाँ पे ली हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। डेक्सटर ने और शेफ करम आरिफ ने हमें जितना भी मोटिवेट किया है वो हमारे लिए खुद काबिल तारीफ है। वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ और मुझसे भी अच्छे शेफ बन जाओ। बिल्कुल, हर शेफ चाहता है उससे अच्छे आप आगे बढ़े। आपने तो कोई सवाल का एक अच्छा जवाब भी दिया, इस पर आपको गिफ्ट मिला, कैसा लग रहा है? सीखने को मिल रहा है या बस सिर्फ बातें हो रही हैं यहाँ पे? नहीं नहीं बिल्कुल सीखने को मिल रहा है, और वन डे वर्कशॉप बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक ही क्रूजीन सीख सकते हैं, लेकिन जो कोर्स होता है ना उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जिसमें हम फूड की सेफ्टी के जिसका जैसा मेरा सवाल था कि हम फूड को सेफ कैसे रख सकते हैं, उसके टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपे पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए वर्कशॉप के साथ साथ आपको जो है ना कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। आप बड़े यंग हो, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी ज्वाइन करा है, बस वन से बावर्ची बन गई। पहले क्या कहा जाता था? बावर्ची। ये आप जैसे और आप लोगों की बड़ी खूबसूरत किरदार है, जिसकी वजह से आज शेफ का किरदार लेट दुनिया में, पाकिस्तान में खासतौर पर बड़ा लेट समझे, लेकिन जितनी जल्दी समझ गए उतना बेहतर हुआ। क्या कहोगे आज की क्लास के बारे में? मैं बोलूँगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा गुजरा, और शेफ जो है वो बहुत नाइस नेचर के हैं, मुझे बहुत अच्छी नेचर लगी उनकी, बहुत ज़्यादा बेस्ट। मैं काम करता हूँ, अब स्टूडेंट जिनसे बात नहीं हुई तो उनसे तो पहले मैं माजत कर लूँ, लेकिन मैं चले ही जाता हूँ। वो सर आप बहुत अच्छे, खाना अच्छा बनाते हैं आप ज़्यादा अच्छे। मैं तो ये कहूँगा कि इंसान खुद अच्छा हो तो सामने वाला सब उसको अच्छा नजर आता है। ठीक है भाई, मैं आपके बारे में बता दूं, डेक्सटर के आप सीईओ भी हैं, और को थोड़ा अपने बारे में आप मुझे बताएं। जी मेरा नाम शेफ खुर्रम आरिफ है और इस कंपनी का मैं सीईओ हूं। इससे पहले जो है हम थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ताकि लोगों को पता चले, एक तो अवेयरनेस भी आए उनको और उनको पता चले, मोटिवेशन थोड़ा उनका होगा। अभी हम पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट फर्म्स में हम जो है काम कर रहे थे और सीख रहे थे कि हम मतलब हमारा एक ख्वाब था कि आगे जाके हम अपना एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाएंगे जिसमें हम अपनी मर्जी से काम कर सकें, हम पे कोई चीज़ बाउंडेड ना हो। तो वो 5-7 साल की मेहनत के बाद आज हमने अपना इंस्टीट्यूट बनाया, और इस हमारी और स्पेशली मेरी ये कोशिश होती है कि हम जो हमारा स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जाए वो 100 नहीं तो 80% सक्सेसफुल ज़रूर हो। बिल्कुल होना चाहिए। आज की क्लास के बारे में बताएं कि कैसे, मतलब शेफ अल्ताफ ने जब मुझसे रब्ता किया, नो डाउट मैं ऑन कैमरा कह देता हूँ कि यकीन जाने एक हफ्ता पहले मुझे कॉल आई थी कि ये प्रोग्राम कवर करना है, मैंने बोला डन है शेफ अल्ताफ ज़रूर करूँगा, तो इन्होंने कहा ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि कभी किसी जाने हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो जिस तरह हम यहाँ पहुँचे मेहनत करके, तो जब इनकी मेहनत में देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज के वर्कशॉप के हवाले से आप ही बता दें कैसा रहा और स्टूडेंट का फीडबैक क्या है आपके लिए, अपने स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है? जी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जब से हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो हमारा ये 4th या 5th वर्कशॉप है, और ये जो वर्कशॉप हम अलाइन करते हैं इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो बल्क क्वांटिटी में फ़ीस देकर प्रॉपर इस फील्ड में आकर सर्विस पढ़ नहीं सकते या क्लासेस नहीं ले सकते, तो हम छोटे छोटे 1-day, 2-day, 3-day वर्कशॉप करवाएं और उस पर मुनासिब उसकी कॉस्ट फीस हो, ठीक है, ताकि वो उसको दे भी सके और आकर कम से कम 1 day में कोई 4-5 रेसिपीज भी सीख सके और अवेयरनेस ले सके कल्नरी आर्ट है क्या, कल्नरी आर्ट को थ्योरेटिकल भी पढ़ सकें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। और मैं यहाँ पे बता दूँ व्यूअर्स कि ये जो क्लासेस होती हैं इनका मतलब ही इतना होता है कि जो लोग करना चाहते हैं कुछ, खास तौर पर हमारी खवातीन जो कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो यकीन जाने ये इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए आएँ, इस माशरे का हिस्सा बने और इन्हीं की तरह सीख के आगे जाएँ और दुनिया में और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कैमरा मैन वलीद के साथ अदील खान, A1 न्यूज़ कराची।